सपना तो है पर सपना है इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है। नया नया कलर निकाल दिया आर1 5 और ये सब एक्सीडेंटल बाइक। क्या हो गया यार, मारूर हो गया क्या? ठीक है भेज देंगे ना, अगला को बोले भाई। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। एंड कैसे हो सब? आप गाइस सब बढ़िया हो? अगर बढ़िया रहना। एंड देख रहे इस ब्लॉग के, तो गाइस फिलहाल शुरुआत कर रहा रोड से। एंड अभी गाइस हम जा रहे हैं अपना बाइक का यार बैटरी चेंज करवाने के लिए। गाइस आप लोग यार बैटरी वाला ब्लॉग दे देखे गाइस बोर हो गए होगे, बट यार क्या ही करोगे ना, मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन ही हो रहा है ना कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। एक ही काम से यार मेरे को 5 बार जाना पड़ता है, समझ रहे हो? एक काम यार अभी तक ठीक नहीं करवा पाया, और ये क्या कर रहे हो यार, पार करो ना। सब कुछ तो गाइस हम करवा करके देख लिए, बट फिर भी अभी तक यार पता नहीं चल रहा आखिर हो क्या रहा है। सेल्फ यार इसका ख़राब था गाइस, मैंने सेल्फ बनवाया इसका, एंड फिर भी यार बैटरी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ गाइस। नया बैटरी गाइस मैं लगा करके रखा हूँ, फिर भी मेरे को धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता है। क्या फ़ायदा भाई न्यू बैटरी लगाने का? तो अभी गाइस चलते हैं बैटरी दुकान सबसे पहले, एंड अभी देखते हैं गाइस क्या बोलता है। अब एक बार देखो ऐसा होता है ना गाइस कि एक बार स्टार्ट करते हैं भाई, कहीं दूर चलते हैं, दूर भी नहीं बोलोगे 5 किलोमीटर भी चलेगा उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे सेल्फ से तो हो जाएगा, और वही भाई आधा घंटा बाद उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे तो नहीं होगा। ऐसे में ऐसा सीन हो रहा है गाइस मेरे साथ, पता नहीं आखिर हो क्या रहा है। एंड मेरे को गाइस क्लच लीवर भी चेंज करवाना है, ये मेरा टूट गया हल्का सा। एंड यार मिरर का तो क्या ही बोलूँगा ना, एक साइड का यार मिरर ठीक करवाता हूँ तो एक साइड का मिरर हिलता है, एक से एक सीन होता है मेरे साथ। अभी गाइस सबसे पहले मैं चलूँगा बैटरी दुकान, वहाँ जाकर पहले यार बैटरी दिख लूँगा आखिर ऐसा हो क्यों रहा। पहले चलो यार मैं मानता था कि मेरा सेल्फ खराब था इसलिए सेल्फ नहीं लेता था, बट गाइस अब तो मेरा सेल्फ सही हो चुका है। यार मीटर पे लाइट क्यों नहीं आता है, मेन दिक्कत ये है। एंड मैं यार गैरेज में पूछा भी था तो वो बोला कि पुराना बैटरी लगा दे यार 2023 का मॉडल, एंड वो बोला कि जा करके 2024 का बैटरी लगवाओ, ऐसा बोला था। तो मैं बोला यार उस टाइम यार अच्छा काम चल रहा था, एक दो दिन यार चलता फिर ऐसा ही सीन हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा। और मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार बैटरी चार्ज नहीं लेता होगा चलते के साथ, तो मैं ये भी चेक करवाया चार्ज लेता बैटरी, तो भी यार पता नहीं क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है गाइस। आज 2-3 काम है गाइस मेरे को, इसलिए मैं जल्दी निकल गया हूँ आज। अभी 3 बज रहे गाइस दोपहर का, एंड गाइस अभी इतना तेज़ हवा चल रहा है ना, आई होप यार नॉइज ना हो बाहर का। एंड मैंने तो यार अपना बाइक को गाइस वॉश करवा दिया पूरा फुल पावर में, देख रहा हूँ ना मस्त यार लग रहा है, क्योंकि यार पूरा गंदा हो गया था गाइस मेरा बाइक गया था राइट पे, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग ब्लॉग देखे होंगे। एंड गाइस ये रोड पे तो यार बहुत दिनों के बाद आ रहा हो, बहुत दिनों के बाद। ओहो भाई भाई, और देखो चौक पहुँचे कि नहीं, जाम मिलना शुरू बस वाला लोग। रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ, रोड का काम यार दिन में कब से होने लगा भाई। मामू देख रहे हो यार, मामू देखो गाइस 3-3 खड़ा है। ओहो भाई ऑटो वाला लोग, ओ दीदी बात करते हुए भाई स्कूटी चला रही है। ओहो मजे, साइड दे दो चचा। अभी तक यार रोड पे कहीं पे मामू नहीं दिखा गाइस मेरे को आज, नहीं तो गाइस बीच रोड में भी यार मामू लोग रहता है चेकिंग करने लगता है। यार मेरा मिरर कहाँ चला गया, ढीला है उसकी वजह से भाई पूरा घूम में जाना गिर में जाना, नीचे ऊपर कर रहा हूँ ना तो पूरा लूज हो गया। अब तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा मेरे को, पूरा मिरर ही पूरा नीचे चल जा रहा भाई, नट टूट इधर उधर मत हो जाना बस, बंद भी कर रहे यार तो नीचे ही हो जा रहा, पता नहीं मिरर ऐसे कैसे हुआ मेरा। पहले यार लेफ्ट साइड वाला मिरर हिलता था, अब राइट वाला, अब इसको भी मेरे को ठीक करवाना पड़ेगा अभी, एंड क्लच लीवर भी ठीक करवाना है। देखते हैं मिरर का क्या सीन है भाई, यहाँ मिरर टाइट करवाते हैं पहले। अगला को बोले कैसे बोला, ईला खोलना पड़ेगा ना, पीछे चलते गैरेज के, इधर तो यार कोई जान ही नहीं रहा इन लोग करने, अपना काम यार एक ही बंदा कर सकता है। वो लोग को बोल रहे तो बोलता है नहीं जानेंगे हमें लिंकी वाला काम, ये वाला ना ढीला हो जाता है ना, आपका बोलो देखने हंसी लगता है, पूरा लड़की लोग लेके जाते हैं।
अरे अभी गाइस देखो हम क्लच लीवर लेकर के जा रहे हैं अपना बाइक का। आप लोगों को तो पता है ना मेरा क्लच लीवर यार टूटा हुआ, तो ये भी फिट हो जाएगा अभी साथ ही साथ। मैसेज भी करेंगे आपको ठीक ना, देखिए क्या चीज में YouTube में मैसेज करेगा, कमेंट करेगा कि मैसेज करेगा, आपको बहुत बार देखे अपना घर तरफ। किधर? इधर। किधर है तेरा घर? आपका दोस्त है ना एगो? अच्छा मोटे से। हाँ हाँ नहीं नहीं उसको नहीं बोल रहा, दूसरा को बोल रहा और वो है गाड़ी रिपेयर करवाने आया है। हाँ क्लच चेंज करवाने आया है। सपना तो है पर नहीं चलाने। सपना है? इच्छा नहीं है। नहीं नहीं जानता चलाने। ले लो फिर काम भेज देंगे फोटो। हाँ? क्या चीज़ में फोटो भेज देंगे? इंस्टाग्राम भेज सकते हैं। तो आगे कर, साइड करो साइड करो। अरे ठीक है भेज देंगे ना। यस इंस्टाग्राम ठीक ना? ठीक है बताओ। फॉलो ठीक करेंगे? हाँ मैसेज करें ठीक ना? ठीक है ठीक। अरे ठीक है हम आपको मैसेज करेंगे। ठीक है मिल के अच्छा लगा। ठीक है भाई थैंक यू। तो अभी गाइस चलो अपना काम जो भी था वो तो हो गया है। बाइक का यार जो जो ढीला था ना सब टाइट करवा लिया। देखो मिरर ये लो पूरा ढीला था ये टाइट करवा लिया, एंड क्लच लीवर इसको भी चेंज करवा लिया। और गाइस पारसनाथ जब पहाड़ चढ़ रहे थे ना उस टाइम मेरा नट फोक लाइट वाला यार कहाँ गिर गया था पता नहीं, तो उसके वजह से यार मेरा जो ये स्विच है ना वो नीचे आ गया था, तो इसको भी मैंने अभी चेंज करवा लिया। भैया थोड़ा बैटरी देखिएगा ना वही प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब चलाते हैं ना स्टार्ट हो जाता है फिर सुबह सुबह बस नहीं होता है। वही चीज वायरिंग घर में क्या होता है ना बैटरी का पूरा जो है अगर कहीं से वायर लीक है तो पूरा बैटरी को चूस लेता है। अच्छा बैटरी पूरा कर देता है जीरो। हाँ फिर जब गाड़ी चलता है 1.5 किलोमीटर तो बैटरी चार्ज होता है तो फिर सेल्फ क्लीन हो। वायरिंग दिखवाना पड़ेगा? वायरिंग यार इधर उधर हुआ होगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है अपना बाइक का, वायरिंग दिखवाना पड़ेगा मेरे को। अभी कैसे चलते डायरेक्ट शोरूम और शोरूम में ही चेक करवा लेते हैं FI। अगर कुछ वायरिंग प्रॉब्लम होगा ना तो वहाँ फॉल्ट तो भाई दिखाई देगा तुरंत से मशीन में, वही चेक करवा लेते हैं पहले। ओ भाई मेरे नया नया कलर निकाल दिया आरोन भाई और ये सब एक्सीडेंटल बाइक। भैया थोड़ा सा FI चेक करवाना था कर दीजिए ना। चलो भाई अंदर लेकर के चलते हैं अभी बाइक। अभी देख रहा हूँ ना भाई एक सेल्फ में स्टार्ट ले रहा है। ओहो बस FI चेक करवाना वायरिंग। Oh my God! A few moments later. Okay guys, अभी तो हम निकल गए देखो यमहा के शोरूम से चेक करवा करके, एंड देखो भाई ये ब्लूटूथ है ना गाइज ये मेरा पूरा हीट हो जा रहा है पता नहीं क्यों, तो इसको गाइज खुलवा लिया। इसका वैसे भी कोई काम नहीं है तो इसको खुलवा दिया है तो देखते हैं अब। एंड ये तो बोला गाइज वायरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायरिंग का कोई यार सीन ही नहीं है। मैंने यार ऑनलाइन चेक कर लिया वायरिंग का यार यहाँ कोई सीन ही नहीं है अपना बाइक में, और वो बोल रहा था कि वायरिंग ख़राब होगा। वायरिंग यार मैंने चेक करवा लिया शोरूम में आकर के, अब बोला कि एक दिन देख लो अगर फिर अगला दिन से फिर प्रॉब्लम करेगा तो फिर जा करके बैटरी चेंज करवा लेना। वायरिंग यार कहीं से कुछ हुआ ही नहीं है मेरा, सिर्फ यार ये गर्म हो जा रहा था तो इसको खोल दिया, वो बोला कि ये कोई काम का नहीं है, अब इसका खोलने पर भी बैटरी प्रॉब्लम करेगा तो फिर जा करके चेंज करवा लेना बैटरी। सब बड़े बड़े आदमी लोग हैं भाई यहाँ तो, मामू लोग भी है भरा पड़ा। अभी देखो मामू आ गया भाई, शाम हो गया तो तभी थोड़ा धूप था तो कोई नहीं था यहाँ पे। क्या हो गया यार मारूर हो गया क्या? चंदा ले रहा भाई इन लोग तो। अभी तो यार और कहीं कहीं जाने का प्लान था बट पूरा शाम हो ही गया तब कहाँ जाएंगे। अरे चचा यार रोकता भी नहीं यार गाड़ी, घुसाते जा रहा भाई। फ्रेंड चलो क्लच लीवर ठीक करवा लिया यार,
एंड फिर ये भी ठीक करवा लिया एंड चेक भी करवा लिया। चलो यार आज बहुत कुछ करवा लिया गाइज। ओ रुक जाओ यार, ए यार ठोका। देख रहे बीच रोड में यार इन लोग टर्न करने की वजह से ना। ओके गाइस अभी हम देखो पहुंच गए बुट्टी मोड़ का चौक। चलो भाई आज अच्छा है कि जाम नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, नहीं तो यार हमेशा जाम। आराम से चचा, ऐसा यार बीच में मत घुसा करो, थक जाओगे नहीं तो। अभी का यार मौसम पूरा एक नंबर है, पूरा ठंडा ठंडा लग रहा है, मज़ा आ रहा। अभी यार कहीं भी जाने बोलोगे ना चल जाएंगे पूरा मस्त में भाई, उधर देख रहे हो। तो चलो गाइस आज का ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं गाइस आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा फुल पावर। तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर गाइस एंड लव यू सो मच। बाय बाय।